हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेडिंग करी पूरे दिन भर, कहाँ कहाँ हमारे ट्रेड लेने लायक सेटअप्स बने थे और उनके पीछे के लॉजिक्स क्या थे। तो कल के दिन मार्केट में जो हमें क्लोजिंग मिली थी वो एक रेंज बाउंड मार्केट हमें देखने को मिला था, इस लेवल के बीच में और इस लेवल के बीच में। तो यहाँ पर आज मॉर्निंग में हमने दो ट्रेड किया था, एक बार हमने यहाँ ब्रेकडाउन के आसपास ट्रेड लिया था, दूसरा आपको यहाँ दिख नहीं रहा बट यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था मार्केट और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद दिन भर मार्केट यहाँ पर पूरे दिन साइडवेज रहा और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया और यहाँ पर यहाँ कहीं के आसपास मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भेज दिया था स्क्रीनशॉट से कि आप कॉल साइड में एक जीरो हीरो का ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ कहीं के आसपास तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। मैंने भी यहाँ कहीं लिया था और यहाँ के आसपास मेरे पैसे लगभग डबल हो गए थे। मैंने 11 रुपये की स्ट्राइक बाई करी थी, वो 25-26 का हाई लगा के आई थी, बट यहाँ पर घूमते 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 यहाँ पर उसने जीरो कर दिया। तो मेरे पास जो भी क्वांटिटी थी कुछ मैंने यहाँ एग्जिट की, कुछ यहाँ पे एग्जिट की, एवरेज एग्जिट प्राइस जो था वो मेरा 15 के आसपास था। तो मतलब कुल मिला के केवल 4 पॉइंट ही मिले यहाँ पर, बाकी पैसा यहाँ पर डबल हो गया था। तो अगर आपने टाइमली एग्जिट कर दिया होगा तो सही था, लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर गए होंगे तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह के उसको भी पूरा मार्केट ने जीरो कर दिया। लास्ट में क्लोजिंग जीरो की हुई थी। मैंने 700 का बाई किया था, मैंने 41,700 का यहाँ कहीं के आसपास मैंने बाई किया था 11 रुपये में। तो चलो बढ़िया ही हुआ, जो भी हुआ हमारा व्यू सही हुआ। अगर यहाँ कहीं जिसने एग्जिट कर दिया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। मुझे लग रहा था अगर रुक के थोड़ा ऊपर जाए तो और ऊपर ये जा सकता है, मे बी 42,000 का लेवल आज ही टच कर दे जिस तरीके से ब्रेकआउट दिखाया था इसने, बट ऊपर की तरफ नहीं गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना भी बड़ी क्वांटिटी नहीं ली थी मैंने और एट द एंड में प्रॉफिट में निकला, तो चीज़ें सारी सही हैं। अब आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में दो सवाल आ रहे थे कि यहाँ पर मैं ब्रेकडाउन ट्रेड करूँगा या फिर यहाँ पर मैं ट्रैप ट्रेडिंग करूँगा, दो सवाल थे। तो मेरे दिमाग में जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि मार्केट यहाँ टॉप से गिरा है और आप देखोगे ओपन इक्वल्स टू हाई है। ये पैटर्न आप ध्यान रखना, किसी भी दिन अगर ओपन इक्वल्स टू हाई होता है तो उसका इफेक्ट जनरली मॉर्निंग में तो देखने मिलता ही है और ये एक बेयरिश सिग्नल रहता है, मतलब मार्केट जहाँ से खुला वहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगा, इसको ओपन हाई पैटर्न कहते हैं। पहली चीज़ ये था, ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि मार्केट में जो भी मैं ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता हूँ EMA's का, वो दोनों EMA के हिसाब से मार्केट बेयरिश हो गया था इस जगह के आसपास आके। कभी कभी ऐसे सिनेरियोस बनते हैं कि मार्केट यहाँ से आ रहा है बट मार्केट बेयरिश नहीं होता है, वहाँ पे मार्केट स्टैंड करने की कोशिश करता है, मतलब EMA's के ऊपर ही रहता है। तो दूसरा रीज़न वो था। तीसरा रीज़न आप देखो यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ले चलता हूँ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप फिब ड्रॉ करोगे तो 0.5 0.6 का लेवल ये वाला आ रहा था। तो मार्केट 0.5 के लेवल को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा था, जो हमारा गोल्डन जोन होता है उसको मार्केट नहीं क्रॉस कर पा रहा था। ये तीसरा रीज़न था। चौथा रीज़न क्या था, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विक बनाई है मार्केट ने। तो मार्केट जब इतना अच्छा विक बनाता है ना, जैसे इस कैंडल में आप विक देखो नीचे की तरफ, इस कैंडल में आप विक देखो नीचे की तरफ, तो जब भी ऐसे बड़े विक्स वाले कैंडल बनते हैं तो जनरली एक बाइंग मोमेंटम शार्प आना चाहिए। तो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम अगर शार्प आना होता तो 0.5 निकाल देता। तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी, ओपन इक्वल्स टू हाई है, 0.5 के लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो एक अटेम्प्ट हम डाउनसाइड के लिए कर सकते हैं क्योंकि रेंज का ब्रेकडाउन तो किधर होना ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग नहीं करी। अगर मान ले फुल बॉडी कैंडल बन जाती, ऐसे फुल बॉडी कैंडल बन जाती और फिर डायरेक्ट गिरने लगता, तो मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता। अब समझ रहे हो ना, फुल बॉडी कैंडल मतलब पूरा एक बॉडी रेड बनती, जैसे कि ये कैंडल बनी है पूरी रेड, तो अगर ये पूरी रेड कैंडल हो जाती तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वहाँ मैं सेल का ट्रेड नहीं लेता, मैं फिर वेट करता एक रिट्रेसमेंट का। जैसे ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिला ना तो इसका मैं वेट करता। तो आज लाइव स्ट्रीम में जब ये रिट्रेस करके यहाँ आए तो यहाँ हमने फिर से सेल का ट्रेड लिया था इस जगह के आसपास कि मार्केट रिट्रेस करके आए, चलो यहाँ फिर से हम एक सेल का ट्रेड लेते हैं। तो दो ट्रेडिंग हमारा जो दो ट्रेड था मॉर्निंग में इसी टाइम हो गया था। उसके बाद आप देखो मार्केट दिन भर साइडवेज, पहले हमने ये वाली रेंज ड्रॉ करी, अब इस रेंज क्या था ऊपर एक बार भी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आ रहा था। मैंने क्लियरली कहा कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन है तो ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से यहां पर हम फंस सकते हैं, तो ये रिस्की ट्रेड होगा। चलो ठीक है, यहां पर नहीं हम फंसे, ऊपर गया मार्केट, यहां फिर से एक रेंज बनाई, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इस लेवल के भी ऊपर ब्रेक किया, बट क्योंकि ट्रेंड डाउन था तो यहां भी हमें ट्रेड नहीं लेना था। चलो ये भी ठीक है, यहाँ के बाद डाउनसाइड का मतलब माहौल बन सकता था कि चलो इसने ब्रेक किया है अब क्या पता है डाउनसाइड चले जाए। लेकिन अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, यहाँ पर आप 15 मिनट का चार्ट देखो तो 15 मिनट के चार्ट में ये पूरा जोन सपोर्ट जोन था, जो मॉर्निंग में हमने लेवल बना के ड्रॉ किया था कि ये पूरा जोन सपोर्ट है, मतलब 41,200 तो 200 तक सपोर्ट है ही, और अगर 200 के लेवल तोड़ता है तो 41,000 के आसपास आके थोड़ा देर रुकेगा, बट ये हमारे लिए सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट था तो इसीलिए हम यहाँ पर सेल साइड में भी एग्रेसिव नहीं जा पा रहे थे और कोई उतना अच्छा सेटअप दिख भी नहीं रहा था सेल साइड का। अगर इस वाले ट्रेंड लाइन पे यहाँ कहीं कोई शॉर्ट करता तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिल जाता, तो क्योंकि ऊपर से ट्रैप करके आया था तो कुछ प्रॉफिट तो मिलता ही उसे, बट फिर भी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल पाता और क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो मार्केट इतना जो ऊपर नीचे कर रहा था ना, इसमें प्रॉफिट्स नहीं बनते एक्सपायरी के दिन। तो यही
कारण थे जो हमने सेल का भी अटेम्प्ट नहीं किया। और देखो फाइनली मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये वाला लो बिना ब्रेक किए यहाँ पर एक रेंज बनती है, और फिर इस रेंज के बाद एक कोई स्ट्रांग कैंडल देखने को मिलती है। यही वो कैंडल थी जो थोड़ी स्ट्रांग थी, स्ट्रांग मतलब देख रहे हो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, उससे पहले सारी कैंडल छोटी छोटी बन रही थी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा विक्स थे। तो इस स्ट्रांग कैंडल के बाद मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया, अब कॉल साइड में एक ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट जो डे का लो बनाया था वही डे ब्रेक नहीं हुआ है, और मार्केट ने एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करी है। इसी को हम बेस फॉर्मेशन कहते हैं। मार्केट अगर 2-2.5-3 घंटा किसी एक रेंज में रुका है तो कहीं ना कहीं मार्केट का ये मन है कि नीचे की तरफ मैं ना ब्रेक करूँ। जनरली क्या होता है, मार्केट रुका है तो दोनों तरफ के चांसेस होते हैं, बट अगर मार्केट लो वगैरह नहीं ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ऊपर की तरफ भी हम प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं के आसपास कॉल बाई किया था, वो कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी कि कॉल वाले ट्रेड में मेरे साथ क्या हुआ, और फिर फाइनली मार्केट ऊपर जाके एंड किया, बट क्योंकि 700 के आसपास नहीं जा पाया तो वो स्ट्राइक प्राइस 0 में ही क्लोज हो गए। तो किसी ने अगर थोड़ा पास का बाई किया होगा 500 का या 475 के आसपास का, तो उसे तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, उसे जो लास्ट वाला मूव था उसमें भी प्रॉफिट अच्छा मिल गया होगा। तो ये आज के दिन का था, बाकी कल की एनालिसिस मैं कल सुबह शेयर कर दूंगा आपके साथ। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी 50 में एक मोमेंटम यहाँ पर आया होता। निफ्टी 50 का हाल आप देखो, नीचे गिरा मार्केट, सपोर्ट पे आया, यहाँ 200 EMA का भी सपोर्ट था और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट था, और यहाँ से डायरेक्ट वी शेप रिकवरी देखने को मिली। वी शेप रिकवरी के बाद यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया। लाइव स्ट्रीम में एम पैटर्न में बहुत लोग ट्रेड करना चाहते थे, रिटेस्ट किया मार्केट नीचे गया, बट क्योंकि ऐसे पैटर्न जनरली हमेशा काम नहीं करते, तो आज भी मार्केट जो जो प्रॉपर एंट्री करता है उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलता ही, वो चाहता तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है यहाँ पे, बट फिर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, सबको सेल का दिखाता है, बट अगर आप फिब लगाओगे यहाँ पे तो 0.5 वाले जोन को नहीं ब्रेक कर रहा था, यहाँ रेंज बनाता है और फिर एक ताबड़तोड़ अपसाइड की मोमेंटम इसमें भी देखने को मिलती है, और फाइनली ये ब्रेकआउट करके क्लोज करता है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो जो क्लोजिंग मिली है वो ब्रेकआउट के ऊपर मिली है, और मार्केट आसपास के आसपास सस्टेन भी किया, तो चांसेस हैं कि कल गैप डाउन ओपन हो जाए कॉल के साइड में, अगर कोई ग्लोबल सिनेरियो ना रहे तो। बाकी कल का कल डिस्कस करेंगे, कल लाइव स्ट्रीम में मॉर्निंग में जुड़िएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हमें पूरे दिन फ्राइडे को ट्रेड करना है। वैसे भी फ्राइडे है तो ज़्यादा बड़ा बेट रखेंगे नहीं हम। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। लिंक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में।